दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी पर जबरदस्त सियासी उबाल है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही सड़कों पर हैं। आपने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दलील दी है कि जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। बीजेपी नेताओं ने बापू की समाधि राजघाट पर जाकर प्रदर्शन किया है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता शहीदी स्थल पर जुटे हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। विपक्षी गठबंधन के नेताओं को मंच पर बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल ने पत्नी को आगे करके, यानी सुनीता केजरीवाल को आगे करके इमोशनल कार्ड भी चल दिया है। आज की आपको खबर बता दें कि सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल का दिल्ली की जनता के नाम संदेश पढ़ा है। संदेश में कहा गया है कि मैं जल्द जेल से आऊंगा और सारे वादे फिर से निभाऊंगा। सुशांत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, सुशांत की मौजूदगी इस वक्त जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है राजघाट के आसपास, वहीं पर है। सुशांत, कितनी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कौन कौन से नेता पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये जो एक्शन है वो इसमें क्या संदेश है? देखिए आशुतोष, राजघाट पर जो बीजेपी का धरना है वो लगातार जारी है। पिछले सुबह 10 बजे से लेकर के अब से लगभग 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार बीजेपी धरना दे रही है। मानसिंह सिंह तौर पर एक है कि मुख्यमंत्री आखिरकार जब वो ईडी की रिमांड पर हैं, जेल में जा चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, तो वो अपना इस्तीफा जो है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। आप मंच पे देखेंगे कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जो है वो पहुंचे हुए हैं। आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सहदेवा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व विधायक और तमाम जो विपक्ष के नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो सब यहाँ पर मौजूद है। सीधे तौर पर यहाँ पर कहा जाए तो मांग एक तरफ ये की जा रही है कि इस्तीफा जो है वो दे। यहाँ से तक अगर कहा जाए तो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी शहीदी पार्क पर बीजेपी के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का एक संदेश जो है वो मीडिया के सामने रखा है। किस तरीके से मुख्यमंत्री साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो जल्द जेल से जो है वो वापस आएंगे। दिल्ली की महिलाओं से जो उन्होंने वादा किया है कि उनको 1000 रुपए देंगे पेंशन के रूप में, वो दिए जाएंगे। एक मैसेज जो संदेश जो है वो देने की कोशिश दिल्ली की जनता को यहाँ पर दिया गया है। आप देखिए कि मनोज तिवारी जो है वो इस वक्त मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित जो है वो कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको सुनाएं कि क्या कुछ मनोज तिवारी जो है वो इस वक्त लोगों के बीच है। सीधे तौर पर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि वो अपराध के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, यहाँ पर लड़ाई जो है वो फिलहाल किए जा रहे हैं। चलिए मनोज तिवारी को भी आप सुन रहे थे और सुशांत मेरा वहां से हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए, जानकारी आप सभी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन हम रुक करते हैं अमित भारद्वाज का, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी विरोध प्रकट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। अमित, आपकी मौजूदगी क्या है, कहां पर है और पुलिस का एक्शन भी क्या है, क्योंकि हम कई लोगों को देख रहे हैं कि शायद हिरासत में लेकर गई है क्योंकि अपने साथ लेकर जा रही है पुलिस, तो अभी कौन कौन मौजूद है, क्या गतिविधि है, यह सब कुछ बताइए। आशुतोष, देखिए दिल्ली में दो तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, एक राजघाट पे, एक शहीदी पार्क पे। राजघाट पे बीजेपी का प्रदर्शन जारी है, वहीं शहीदी पार्क पे आईटीओ पे जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था उस पे दिल्ली पुलिस का क्रैकडाउन देखने को मिला। पहले प्रदर्शन में जाने से शहीदी पार्क में एंट्री से मुश्किलों का सामना करना पड़ा कार्यकर्ताओं को। उसके बाद जब भगवंत मान आए तो उन्होंने मंच से स्पीच देने के बाद, भगत सिंह को फूल चढ़ाने के बाद एक स्पीच दिया और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब हम अपने राष्ट्रीय कार्यालय आम आदमी पार्टी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे, आईटीओ से होकर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग तक। उसके बाद आप कार्यकर्ताओं को रोका गया, मल्टीपल लेयर्स की बैरिकेड यहां पे लगाई गई थी, ट्रैफिक पूरी तरह से यहां रुक गया था और फिर अंततः दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायकों को बसों में डिटेन करके वो यहां से ले गई। पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस, उनको डिटेन किया गया। दिल्ली के विधायक और अब लोकसभा के उम्मीदवार सोमनाथ भारती को डिटेन किया गया और इसके साथ साथ महिला विंग के कार्यकर्ता, महिला विंग की अध्यक्ष, कई सारे कार्यकर्ताओं को बसों में डाल डालकर उनको डिटेन करके दिल्ली पुलिस यहां से ले गई है। जो आतिशी अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरा बन गई है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, जहां तक सरकार की बात है या अब कम्युनिकेशन की रणनीति की बात है, उनको भी डिटेन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस अटेम्प्ट को फॉयल किया और उसके बाद आतिशी को यहां से गाड़ी में बिठाकर आपके कार्यकर्ता नेता ले गए। जब उनको ले जाया जा रहा था तब आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार बयान दिया जा रहा था कि अब
तानाशाही जैसे हालात हो रहे हैं। भगवंत मान ने इंटरनेशनल मीडिया की कवरेज तक की बात कर दी है इस पूरे मामले में कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस देख रहा है। तो दो तस्वीरें इस वक्त दिल्ली में देखने को मिल रही है, एक बीजेपी के प्रोटेस्ट का, एक आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट का। और आप ये दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दिन से ही यानी कि 21 मार्च की शाम से ही लगातार उनके प्रदर्शनों को के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, दिल्ली पुलिस उनको प्रदर्शन करने नहीं दे रही है। कल दावा किया गया था कि उनके नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया। हमने देखा कि किस तरह से जो आईटीओ का दीनदयाल उपाध्याय मार गया उस पे प्रोटेस्ट जब यूजुअली होता है तो बीजेपी के प्रोटेस्टर्स को आंध्रा स्कूल तक जाने दिया जाता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को राउज अवेन्यू कोर्ट के परिसर वाले इलाके तक जाने दिया जाता है अगर वो बीजेपी मुख्यालय तक जाना चाहते हैं तो। लेकिन कल बैरिकेडिंग दीनदयाल उपाध्याय के दोनों एंड पे इस तरह से की गई थी कि एक भी कार्यकर्ता नेता पार्टी के दफ्तर तक ना जा पाए जबकि बीजेपी के मुख्यालय। लेकिन शहीदी पार्क को क्यों चुना गया, कुल प्रदर्शन के लिए शहीद भगत सिंह का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि शहीद भगत सिंह तो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी थी, स्वतंत्रता के लिए दी थी। यहां तो शराब घोटाले का मामला है, वो तो जेल में शराब घोटाले की वजह से हैं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, ये सवाल हम लोग आपके नेताओं से भी पूछ रहे थे तो आपकी तरफ से क्या देखे, एक रणनीति है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से ही अपने आप को आइडियोलॉजिकली एक ऐसी जगह पे पोजीशन किया है जहां पे वो भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी खुद को जताना चाहते हैं। 23 मार्च को ऐसे भी आम आदमी पार्टी एक मीटिंग यहां पे सभा करती ही करती है हर साल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से ये दौर चलता आया है। लेकिन अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हैं और आज एक फिर से प्रोटेस्ट का कॉल देने के बजाय आम आदमी पार्टी ने रणनीति बनाई कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक सभा को यहां पे लीड करेंगे और ठीक है अमित जुड़े रहेगा फौरन रुख करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों ही महान नेताओं ने किसी ने भी हवाला नहीं दिया कि आप भ्रष्टाचार करिए, लेकिन उन्हीं का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है।